नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल प्रेम वाजपेयी के साथ, पल पल छोटी बड़ी खबरों के साथ। सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में अपने इष्ट मित्रों का स्वागत है, सभी सम्मानित सदस्यों का। आपको बताते चलें कि आज 26 जुलाई 2019 की कुछ तस्वीरें सीतापुर क्षेत्र के गांजरी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की तस्वीरें कैद की गई हैं। और ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये घाघरा नदी की हैं, जहां पर लगातार पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश से, मूसलाधार बारिश से घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है। वहीं साथ साथ बैराजों से भी पानी कम छोड़ने का नाम नहीं लिया जा रहा है, लगातार छोड़ा जा रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से और हमारे द्वारा अमर उजाला अखबार की सुर्खियों में हमेशा बाढ़ की डेली अपडेट आप लोगों को सुर्खियों में देखने को मिलती है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से और अमर उजाला के सुर्खियों में। वहीं पर बाढ़ जैसे हालातों से अधिकारी निरंतर इनकार कर रहे हैं और कड़ी नज़र भी बाढ़ के ऊपर रख रहे हैं, बराबर दौरा कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें कैद की गई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि बराबर निरंतर घाघरा नदी की लहरें हिलोरे मार रही हैं, कल कल की आवाज़ें निकल रही हैं और खेती योग्य ज़मीनों को निगल रही है। और लगातार छप रही खबरों का और यूट्यूब चैनल की खबरों का हुआ असर, आप लोग देख रहे हैं कि जहां कोनी गांव के 7 घरों पर घाघरा नदी की तलवार लटक रही थी, वहीं पर निरंतर अधिकारियों ने बड़ी सक्रियता से संज्ञान लेते हुए आज वहाँ पर बाढ़ की कटान को रोकते हुए जो है एक वैकल्पिक व्यवस्था का कार्य प्रारंभ कर दिया है बाढ़ सिंचाई खंड के द्वारा। और ये कार्य एसडीएम शिशिर कुमार बिश्मा की जागरूकता और सजग प्रहरीता के कारण किया जा रहा है, क्योंकि वो बाढ़ के प्रति काफ़ी साजिंदा हैं और निरंतर लगातार दौरा कर रहे हैं, क्षेत्रों का जायज़ा ले रहे हैं, चाहे वो गड्ढा हो सड़क पे और चाहे वो बांध तट निर्माण पे गड्ढे हों खतरनाक, हर तरफ उनकी कड़ी नज़र रहती है और बराबर निरंतर लगातार प्रधानों से और लेखपालों से क्षेत्र में जा करके जो है संपर्क साध रहे हैं फ़ोन से और निरंतर दौरा कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये घाघरा नदी की हैं और कोनी फौजदारपुरवा ठेकेदार दुर्गापुरवा के पास की हैं, जहाँ पर काफ़ी ये तस्वीर बयां करती है कि ये घाघरा नदी कटान कर रही है, करारे गिर रही हैं झमाझम। और वहीं पर जगेश्वर ने अपना झोपड़ी हटा करके एक खेत में भी डाल ली है, वहीं लालजी और तकर्मा और आदि 7 घरों पर तलवार लटकी हुई थी और अभी भी लटकी हुई है। लेकिन इन घरों को बचाने के लिए और खेती को बचाने के लिए यहाँ पे एक वैकल्पिक व्यवस्था बांस बल्ली गाड़ करके और घास फूस और डालों को डाल करके रोकने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन वहीं पर ग्रामीणों का कहना है कि ये डालें और ये बांस घाघरा की लहरों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और जब तगड़ी लहरों की झकोड़े में ये साथ में बह सकती हैं, इससे गांव का खतरा टलता नज़र नहीं आ रहा है। जो वही श्रवण और नीरज और गया जगेश्वर और लाल जी अन्य जो हैं, इन लोगों का कहना है तटीय क्षेत्र के कि इस बाढ़ के हिलोरे और लहरें इनको बर्दाश्त ये नहीं कर पाएंगी इससे। और यही भी ये भी कहना है कि अगर यही व्यवस्था पहले की गई होती तो हो सकता था कि ये घर बच सकते थे, लेकिन खतरा टलता नज़र नहीं आ रहा है। वहीं खेती योग्य ज़मीनों को निगल रही है लगातार, घाघरा और शारदा नदियों में समाती जा रही है, सैकड़ों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई है,
और मेंथा आयल जैसी धान जैसी फसलें जो है डूब गई हैं और हजारों की तादाद में जो है ज़मीन घाघरा के पेट में समाहित हो चुकी है। लेकिन अभी भी बाढ़ जैसे हालात नहीं नज़र आ रहे हैं कि उन नदियों घाघरा और शारदा नदियों का जल जो है वो अभी भी अपने दायरे के अंदर बह रहा है। नदी नाले जो करीबी हैं निचले स्तर वहाँ पे बाढ़ बढ़ता हुआ तेज़ी से बढ़ रहा है आगे, और बिल्लरपुरवा, नगीनापुरवा, परमेश्वरपुरवा, चौकीपुरवा, लुतपुरवा, मरैली, लुतपुरवा, दुर्गापुरवा, फौजदारपुरवा के करीब में करीब 500 मीटर दूरी तो कहीं 50 मीटर दूरी कहीं पर बिल्कुल करीब में नदियां बह रही हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये तस्वीरें देख सकते हैं और लोगों ने अपना दर्द भी बयां किया और ये स्वीकारा कि जब आपके यूट्यूब चैनल पे और अमर उजाला की खबर आपके द्वारा खबर प्रकाशित की गई तभी ये अधिकारी संज्ञान में आए और आज ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। लेकिन धड़कने उनकी तेज हैं, कम होती नज़र नहीं आ रही हैं क्योंकि हिलोरे और घाघरा के जल स्तर को देखकर वो भयभीत हैं, ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और काफ़ी उनके माथे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। रात रात जो है जाग कर काटते हैं, कहीं मगरमच्छ जैसे हड़कंप मच जाता है देखने पर, वो बच्चों को अपने जो है एक जगह समेट कर रहते हुए रात काटते हैं, काफ़ी चिंतित देखे जा रहे हैं। और हर साल ये घाघरा और शारदा नदियाँ अपना कहर बरपाती हैं, उन कहर से लहरों को देख करके बचने के लिए लोग अभी भी अपनी जुगत में कोई छप्पर डाल रहा है तो कोई रोड का सहारा ले रहा है और काफ़ी अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं, और अगर कहीं कोई हमारी कमी हमको दिखे तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और ख़बरों को शेयर ज़रूर करें। तुम्हारा क्या नाम? तुम्हारा क्या नाम? हाँ, पटवारी लाल। अच्छा, पटवारी लाल। ये कौन सा गांव है? फौजदारपुरवा। और आगे कौन गांव है? कोनी। यहाँ पे जो ये बाढ़ का कार्य चल रहा है उसको रोकने के लिए बांस काट करके, ये किसके सौजन्य से, किसके अथक प्रयास से चल रहा है? अरे हमार तो नाम है प्रेम वाजपेयी। वैसे पहले कोई नहीं आता, कोई नया वाला है, पूरे 15 लाख घंटे पड़े हुए हैं। और थी अच्छा, जो पहले जब कटाई लाग रहे हैं और कटाई जब ठोकर बन गया हो तो आज नंबर चल रहा। लेकिन जागे देर में जागे, जागे वो जब जब खबर छपी और खबर चली तभी जो है वो सब लोग आए जब आए हैं तब भी बहुत जोर। लेकिन इसके पहले खबर न छपने पर तो आए नहीं थे? इसके पहले आए होंगे तो अभी तमाम कार्य। अच्छा अच्छा, आपका क्या नाम है? पटवारी लाल। अच्छा, मतलब जब खबर यूट्यूब चैनल पे चली और अमर उजाला की खबर की सुर्खियां बनी तभी वो हरकत में आए। तो इसका श्रेय आप किसको मानते हैं? जो ये कार्य हो रहा है इसका श्रेय आप किसको देते हैं? ये कोनी गांव के हैं। ये बताइए, यहाँ पे जो भीषण कटान हो रहा है, ये जो इतनी तस्वीरें और ये बांस और बल्ली यहाँ पे दिख रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए आए हुए हैं? रक्षा के लिए आई हैं? क्या होगा इनका? जो भाई सरकार खराब। नहीं नहीं, तुम लोगों से बताया नहीं गया है कि इसको किस लिए आए हैं? पूछा नहीं आप लोगों ने? नहीं, हम पर बतावा यह है। नहीं, तुमसे पूछा था इन लोगों ने कोई? क्या पूछा था? नहीं तो ये नहीं पूछा किस वजह से बांधेंगे, किसके लिए आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए आए हैं, कैसे क्या हो रहा है, ये बांस बल्ली क्यों आए हैं? अच्छा, कटान बंद होने के लिए ये आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आप लोग कि इसके पहले इतनी याददाश्त और इसको रोकने के लिए क्यों नहीं आई थी, ये फिर अब क्यों आई, किसके माध्यम से आई, क्यों इतना जागरूक हुई? अब तो है पर जगाया तो आया नहीं है, कोई जरूरत नहीं रहा कोई। किसके द्वारा जगाया गया?
हमारा नाम जानते हैं आप? अच्छा, ये मतलब हमारे द्वारा जो प्रकाशित की गई खबरें हैं उन्हीं के माध्यम से ये लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा 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 अधिकारी आए होंगे। ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, ये गवलोक कोणर व्यवसाय विकास खंड क्षेत्र के ग्राम गवलोक ग्राम पंचायत गवलोक कोणर के पास ग्राम कोनी के पास है, जहाँ पे लगातार आप लोगों ने देखा होगा और सुना होगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से और अमर उजाला की सुर्खियों में हमारे द्वारा जो प्रकाशित की जा रही बराबर लगातार खबरें, क्योंकि यहाँ पे लगातार कटान हो रहा है और शाद घर नदी के किनारे पर उनके ऊपर तलवार घाघरा की लटकी हुई थी और वहीं पर अधिकारियों ने तत्काल संज्ञान लेकर के यहाँ पर इन कटान को रोकने के लिए यहाँ पे काफ़ी एक व्यवस्था की वकायत चल रही है, जो कि नदी के अंदर एक मशीन के द्वारा जो है बांस गाड़ करके उसके बाद इस कटान को, जो भीषण कटान हो रहा है लगातार यहाँ कोनी के पास करीब फौजदारपुरवा और गार्गीपुरवा के पास जो है, और कोनी के गांव के जो सात घर थे वो उनके ऊपर जो है घाघरा की तलवार लटक रही थी। हालांकि उसमें एक जगेश्वर ने अपना खाली भी कर दिया था, प्लान कर गए थे और पीछे खेत में ही अपनी वो झोपड़ी डाल रखी है, लेकिन अन्य घर जो बचे हुए हैं और खेती जो कटान कर रही है उनको बचाने के लिए यहाँ पे विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है और यहाँ पर काफ़ी उनके कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही तस्वीरें हैं कोनी गाँव की, जहाँ पर एक बाढ़ और कटान को रोकने के लिए जो है यहाँ पे एक बांस गाड़ करके उसके बाद उसकी व्यवस्था की जा रही है। बड़ी बड़ी हिलोरे मार रही है और यहाँ पे भीषण कटान हो रही है। ये घाघरा नदी का तकरार रूप है, जहाँ पर ऊँची ऊँची लहरें आप लोग देख रहे हैं और ये कोनी गांव के पास खेतियों की जमीनों को वो लील रही है, निकल रही है और यहाँ पे कोनी गाँव के पास की ये तस्वीर है, जहाँ पर बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें आप लोग देख सकते हैं किस कदर से उठ रही हैं, जो कि लोगों के होश और हवास देख करके जो है खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस प्रकार की यहाँ पे कटान भीषण हो रही है, लेकिन बाढ़ जैसे हालातों से अधिकारी जो है नकार रहे हैं कि अभी बाढ़ जैसे हालात नहीं है, लेकिन इस इधर जो अगर देखा जाए तो इस विकराल रूप नदी का देखने को मिला है और काफ़ी यहाँ कोनी गाँव के पास लोग दहशत में हैं, क्योंकि सात घर उनके जो है बिल्कुल घाघरा नदी के तलवार लटक रही है। ये उसी जगह की तस्वीर है जहाँ पे भीषण कटान हो रही है और ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि इस तस्वीर को नकारा नहीं जा सकता है कि किस कदर से नदी घाघरा का जल स्तर लगातार छोड़े जा रहे बैराजों से पानी में, ऊंची ऊंची लहरें बेकाबू उठ रही हैं और बस्ती की तरफ वो छूने को बेताब है। देख रहे हैं ये जो तस्वीर, मशीन के द्वारा घाघरा नदी में बांस को गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि बांस नदी के अंदर पानी में गाड़ करके मशीन के द्वारा गड्ढे करने के बाद फिर उसमें बांस लगाएंगे और बांस लगाने के बाद फिर उसमें जो है बांस का एक बांस कटान रोकने के लिए। ये कोनी गांव की बांस की तस्वीरें हैं जहाँ पर भीषण कटान हो रहा है। ये विभागीय अधिकारियों के द्वारा एक अच्छी पहल की जा रही है, जहाँ पर आप देख रहे हैं ये पाइप को अंदर पानी में डाला जा रहा है और फिर उसी के बाद ये बांस उसी के अंदर लगाएंगे और लगाने के बाद ये इंजन नाव पे कसा हुआ है और मशीन, उसके बाद जो है आप लोग देख रहे हैं कि बांस अंदर जा रहा है, पूरा पूरा बांस बैठा जा रहा है और उसके बाद ये बांस रोकने कटान रोकने का प्रयास किया जा रहा है। गाँव के पास कटान को रोकने के लिए बांस गाड़ करके प्रयास किया जा रहा है मशीन के द्वारा, घाघरा के नदी में गड्ढा खुदाई करके बांस साथ में आप देख रहे हैं। ये ऊंची ऊंची लहरें बेकाबू
कटान कर रही हैं और कोनी गांव के जो सात घर थे उन पे कोने को बेताब है, तलवार लटकी हुई है और उन्हीं घरों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कटान पर रोकने का प्रयास किया जा रहा है बल्ली और बांस गाड़ करके, वही ये प्रत्यक्षदर्शियों की तस्वीरें हैं और लोग खड़े होकर निहार रहे हैं कि जिस कदर से कटान कर रही है घाघरा नदी।